तो हम अक्सर बात करते हैं विकास की, हर कोई करता है विकास की बात और कहता है कि विकास होना चाहिए, विकास हर किसी को चाहिए, लेकिन इसे संभाल पाना सबके बस की बात नहीं। ये साबित करने के लिए हमारे पास कुछ वीडियोस आए हैं जो एक ऐतिहासिक टनल के हैं, जिसे भारत के विकास का नया अध्याय माना जाता है। लेकिन इस सड़क पर हो क्या रहा है, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। छुट्टियों के दौरान यहां से गुजरने वाले कुछ लोग क्या कर रहे हैं, वो इन तस्वीरों में कैद हो चुका है और आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त चल रहा है। अटल टनल की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो टनल जिसे हिंदुस्तान में विकास के नए अध्याय के तौर पर देखा जा रहा है। गाड़ियों की लंबी लाइन है जिनमें एक से एक महंगी कार है, लेकिन यहां हो क्या रहा है पहले वो देखें। कार के शीशे खुले हैं और करीब 8 से 9 लोग बाहर निकलकर हुड़दंग मचा रहे हैं। कोई कार की छत पर चढ़ा हुआ है तो कुछ ऐसे हैं जो इसे बहादुरी का काम समझकर वीडियो भी बना रहे हैं। थोड़ा गौर करेंगे तो देखेंगे कि पीछे तक गाड़ियों की लंबी लाइन लग चुकी है। अब जरा एक और वीडियो देखिए। ये कोई डिस्को नहीं, सड़क पर गाड़ियों को रोककर शीशे खिड़कियां खोलकर खूब तेज गाने चल रहे हैं और डांस किया जा रहा है। ये है इनका नए साल का जश्न। एक और सीसीटीवी वीडियो देखिए, गाड़ियों का पूरा काफिला है। ये इनका रोड शो है। धीरे धीरे कार आगे बढ़ रही है और कुछ लोग निकलकर सड़क पर आ गए, डांस कर रहे हैं। ये खुले दिमाग का दिखावा करने वाले वो लोग हैं जो विकास के महत्व को समझ ही नहीं पाते। अब आप ये जानिए कि ये कौन सी ऐतिहासिक सड़क है। ये है मनाली को लेह से जोड़ने वाली 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल अटल टनल। तो आप देख सकते हैं कि ये फायर हाइड्रेंट्स हैं। यहाँ पर जो है ग्लास को तोड़ दिया गया, इसे तोड़ने की कोशिश की गई है। इसी तरीके से कई सारे ऐसे इक्विपमेंट को डैमेज करने की कोशिश जो है पिछले कुछ दिनों में की जा चुकी है। अब जरा याद कीजिए वो दिन जब देश के प्रधानमंत्री ने इस विकास पथ का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रिबन काटकर विधिवत रूप से अटल टनल को देश को राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं, जिसकी नींव साल 2003 में रखी गई और जो करीब 17 साल बाद बनकर तैयार हुई, जिसमें सामरिक और आम लोगों की सुरक्षा और सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया, जिसे बनाने में देश के करीब 4,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। उस देवभूमि और बुद्ध भूमि को जोड़ने वाली सशक्त सुरंग में अब क्या हो रहा है। लास्ट के कुछ 2-4 दिनों में कुछ वीडियोस भी वायरल हुए हैं यूट्यूब पे, जिसमें कुछ युवा यहाँ पे गाड़ी रोक के और नशे में डांस और वो सब कर रहे हैं, और लेकिन उसके बाद प्रशासन ने उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है। इस टनल के रख रखाव की जिम्मेदारी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की है। यहाँ से हम हर एक लोकेशन पे हमारे कैमरे लगे हुए हैं। हम जैसा कि देखते हैं यहाँ पे कि कुछ गाड़ियाँ रॉन्ग साइड से जा रही हैं, कुछ गाड़ी से उतर रहे हैं टूरिस्ट और वहाँ पे डांस वगैरह की एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ पैनल हमारे जो फायर हाइड्रेंट के लगे हैं उन्हें डैमेज कर रहे हैं। इसके सुरक्षा में पुलिस बल तैनात रहता है। कंट्रोल रूम में पूरी टीम टनल की निगरानी करती है। 10,000 फीट की ऊंचाई पर कड़ाके की ठंड में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे इन जवानों की लोगों से कुछ अपील है। जो भी टूरिस्ट या कोई प्राइवेट टैक्सी, वो उनको भी मैसेज दे दे टूरिस्ट को कि बाहर निकल के कोई टनल के अंदर कूड़ा या कोई पॉलीथीन वगैरह ना फेंके और ना ही बाहर निकल के हुड़दंग मचाए। नए साल के जोश में मौज मस्ती कर नियम तोड़ने वालों में अब तक 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 2 गाड़ियां जब्त की गई हैं और 50,000 का जुर्माना भी वसूल किया गया है। सवाल यही है कि जब बीआरओ जैसे संगठन और सुरक्षा बल देश के विकास की जिम्मेदारी को समझ सकते हैं, तो फिर उसी जगह को जन्नत बताकर उसका मजाक बना देने वाले कुछ लोग क्यों नहीं? तो
हॉलीडे में जोश होना अच्छा है, लेकिन जोश में होश खोने की जरूरत नहीं।